नमस्ते भारत, मैं हूँ भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज जो बात करने जा रही हूँ, मैं समझ नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूँ। क्या हो रहा है हमारे देश में? जिस प्यार की भाषा को हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे, आज प्यार की भाषा के ऊपर भी बहुत शंकाएं होने लगी हैं। एक दौर था जहाँ पर शाहरुख खान जैसे एक प्यारे से इंसान ने एक बहुत ही प्यारी सी एक पंजाबी लड़की से शादी करी, गौरी खान से, और वो हिंदू मुस्लिम के बैरियर को तोड़ के आज तक, और भगवान करे जिंदगी भर तक, एक साथ रहकर दिखाया कि इसे प्रेम कहते हैं। यहाँ जिस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं, वहाँ प्रेम से ज़्यादा मुझे मैं कहूँगी कि सेल्फिशनेस या फिर स्पाई या फिर स्वीट व्हाट यू कॉल इट हनी ट्रैप। क्या सोचूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, खुद ही इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ। यहाँ पर एक बात हमारे जहन में सारा टाइम चलते रह रहा है, वो है सीमा हैदर का बात। सीमा हैदर, सचिन का प्यार जो पबजी से शुरू होता है, पबजी के बाद उन दोनों के बीच में 2-3 साल तक बहुत सारी बातें होती रहती है, इश्क हो जाता है। ऐसा इश्क, ऐसी मोहब्बत कि एक औरत अपने चारों चार बच्चों को लेकर विदाउट वीज़ा, इलीगली, इतने कहते ना 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। ये तो 7 समुंदर क्या, वो तो सारे बॉर्डर्स पार करके आ गई सीमा हैदर, और कहती है कि वो सचिन से बहुत प्यार करती है। और एक तरफ है जो अब नया चलन शुरू हो रहा है, नई बातें शुरू हो रही है, जो टॉपिक है अंजू का, अंजू एंड हसरुल्ला। ये एक मामला बहुत ही पेचीदा है। शुरुआत में ऐसा लगने लगा जब बातें होने लगी, ANI के रिपोर्टर्स ने बात करी, जब बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ चैनल से बात होती है इस महिला की, अंजू के साथ वीडियो कॉलिंग पे इंटरव्यूज़ होते हैं, जब वो पाकिस्तान में ऑलरेडी होती है और पाकिस्तान के पेशावर के किसी एक इलाके में जिसको अपर डी बोलते हैं, तो उस जगह पर बैठ के वो आराम से वीडियो कॉल पे बात कर रही है एक रिपोर्टर से, जिसमें वो कहती है बहुत ही नॉर्मली कि मैं पाकिस्तान आई हूँ, बकायदा मैं सारा वीज़ा वगैरह सब कुछ करवा के आई हूँ। लेकिन जब बाद में पता चलता है, 2 बच्चियाँ हैं, एक बच्ची है और एक बेटा है, उन लोगों को इसके बारे में कुछ नहीं पता है, पति को इस बारे में कुछ नहीं पता है, उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वो राजस्थान के बिहाड़ी जिला से आती है, और वो जहाँ पर काम कर रही है उस काम की जगह पर भी, अपने वर्क प्लेस पर उसने ये कह दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए गोवा जा रही हूँ, एंड अगर आपको काम की ज़रूरत ज़्यादा लगे, मेरी काम में अगर आपको लगे कि मैं नहीं आ पा रही हूँ, आप किसी और को भी अपॉइंट कर सकते हैं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मेरा जाना ज़रूरी है, मैं गोवा जा रही हूँ थोड़ा चेंज के लिए। उसे छुट्टी मिल जाती है। यहाँ पर वो बच्चियों को कहती है कि मैं थोड़ा घूमने जा रही हूँ अपनी दोस्त के घर, अपने पति को भी यही कहती है कि जयपुर में उसकी एक दोस्त है जिसके घर पे वो कुछ दिन रहना चाहती है, उसे चेंज ऑफ माइंड चाहिए, और पति बेचारा कहता है ओके फाइन नो प्रॉब्लम आप जाओ। अब यहाँ पर जो बातें चल रही हैं, जब वो पहुँच जाती है पाकिस्तान, और ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भले आप वीज़ा लेके जाओ, बट आपको इतना क्या घूमना, और आपका ऐसा कौन सा रीज़न है जिसकी वजह से आप इंडिया से पाकिस्तान जा रहे हो, ऐसा क्या घूमना। लेडी इतना पोलाइटली और इतना शातिर दिमाग वाली है अंजू, जो कहती है कि हाँ मुझे घूमना था, मैं एक्सप्लोर करना चाह रही थी जगहों को, एंड जिस फैमिली में मैं आई हूँ, हसरुल्ला जी की जो फैमिली है, उनसे मैं 2-3 साल पहले से बात करती हूँ, बहुत ही अच्छी फैमिली है, और वो भी आना चाहते थे, तो मैंने कहा आप लगा लो वीज़ा, उन्होंने कहा आप लगा लो वीज़ा, जिसका वीज़ा जल्दी लग जाए। मेरा वीज़ा लग गया, मैं चली गई, और बकायदा सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ मैं गई हूँ।
यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बातें आती हैं तो यस, वीज़ा बकायदा उसने कराया, सारी चीज़ें बहुत ही स्पष्ट रूप से प्री प्लान्ड करके वो गई हैं, जबकि उन्होंने पहले इंटरव्यू में कहा कि ये पक्का नहीं था, अचानक हुआ। बट अब पता चलता है इमिग्रेशन ऑफिस से और वीज़ा ऑफिस से कि मैडम ने अपनी वीज़ा की जो बातें शुरू कर दी थी वो थी मई के महीने से, 3 या 4 मई के तारीख से उन्होंने वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल दिया था और उनको वीज़ा मिला भी था। उनको वीज़ा बकायदा जुलाई के मिड जुलाई से लेकर पूरे अगस्त तक का उनका वीज़ा लगा हुआ है। अब हमारे कानों तक ये बात आ रही है कि पति के साथ उसका रिलेशन, उसने कहा कि अच्छा नहीं है, मैं अगर आऊँगी पाकिस्तान से वापस तो मैं अपने पति से डिवोर्स ले लूँगी और अपनी बच्चियों को अपने पास रख लूँगी। उनके भाई डेविड से बात होती है, डेविड ने ये कहा कि नहीं, आज तक तो मैंने कभी नहीं देखा है कि मेरी दीदी और मेरे जीजा जी के बीच में कोई ऐसे रिलेशन हो। बहुत ही सुखी परिवार है, 2 बच्चे हैं, 1 14 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है, मे बी वाइस वर्सा, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, आई गेस 14 साल की बेटी है और 5 साल का बेटा है, यस। और वो माँ कैसी माँ होगी, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के पाकिस्तान जा रही है। हसरुल्ला जी के पास जाके उसका इश्क बढ़ जाता है कि इतना कि संभाले नहीं संभलता है। पहले कहती है कि मेरे 2-3 साल का रिलेशन है, यानी कि मैं उनके परिवार को जानती हूँ और हमारा कोई प्यार व्यार वाला कोई मामला नहीं है। पाकिस्तान में उनके रिश्तेदारों की कोई शादी थी जिस पर मुझे इनवाइट करा गया था तो मैं गई, क्योंकि मुझे पाकिस्तान बहुत खूबसूरत जगह है, मुझे एक्सप्लोर भी करना था, मुझे घूमना था, इसलिए मैं चली आई। अगर ऐसी बात होती है ना तो जहाँ पर आप इतना बड़ा एक खेला कर चुके हो कि वीज़ा लेके आ गए तो वहाँ पे आप अपने पति के साथ भी बात कर सकते थे, उन्हें ठंडे दिमाग से समझा सकते थे कि भैया मुझे जाना है, मैं बखूबी पूरी चीज़ों को क्लीन तरीके से जा रही हूँ। बट इन मैडम ने कुछ ऐसा नहीं किया। पति को पुलिस के द्वारा पता चलता है कि उनकी बीवी अंजू वो चली गई हैं और लाहौर में है अभी। लाहौर के बाद उन्होंने जाने की कोशिश की वो उसी अपलडी जो ज़िला है, क्योंकि हर जगह का आपको वीज़ा नहीं मिलता है, वीज़ा के भी अपने रूल्स होते हैं। अगर आपको वीज़ा मिलता है, लेट से आपको इंडिया का वीज़ा मिलता है, आप बाहर देश के हो, आपको इंडिया का वीज़ा मिलता है, तो यू हैव टू टेल अस दैट विच प्लेसेस डू यू वांट टू गो। आप 4 या 5 जगहों के नाम दे रहे हो, आपको कितनी अलाउ हुए हैं उस हिसाब से आपके वीज़ा पे लिखा होता है। आप बॉम्बे ही जा सकते हैं, आप कोलकाता ही जा सकते हैं, आप मध्य प्रदेश ही जा सकते हैं, बट सारे इंडिया में नहीं जा सकते। तो वीज़ा का बहुत महत्व होता है। तो इन मैडम ने पूरी प्री प्लानिंग के साथ वो पाकिस्तान चली गई और किसी को ना खबर करते हुए, और जस्ट एक बहाना दे दिया कि मैं तो सब कुछ करके ही आई हूँ, सब कुछ बातें और मेरा कोई लव एंगल नहीं है। अब पता ये चल रहा है कि हसगुल्ला जी ने पहले ये कहा कि मेरा इनके साथ कोई निकाह करने का ऐसा कोई इरादा नहीं है, ये तो बस आई हैं हमारे देश में, मैं उनको थोड़ा घुमा वुमा दूंगा और पाकिस्तान के बाद वो तो 20 अगस्त को निकल भी जाएंगी या पहुंच भी जाएंगी इंडिया, वो तो जा रही है। लेकिन इस बीच खबर आती है जो बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाली है, वो ये है कि अंजू ने निकाह कर लिया है। निकाह करके हसगुल्ला जी के साथ, आई एम सॉरी फॉर प्रोनाउंसिंग योर नेम वेरी बैडली, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, बट हसगुल्ला जी के साथ उन्होंने शादी कर ली, निकाह कर लिया बकायदा, DIG कुछ होते हैं तो वहाँ पर शादी कर ली, निकाह कर लिया। और ये तो ये उन्होंने अपना नाम बदल लिया, उन्होंने अपना नाम फातिमा रख लिया, फातिमा राम नाम रखते रखते उन्होंने अपना धर्म बदल लिया, वो इस्लाम धर्म को मान चुकी हैं। और ये सारी खबरें पूरी तरह से स्पष्ट रूप से 100% सही है, सूत्रों की धाराएं यहाँ पे नहीं दूंगी, ये बहुत ही बड़ी खबर है और हमारे लिए थोड़ी सी ये चीज़ें इजी हो जाती है क्योंकि हम लोगों को खबर मिलती रहती है। तो वहाँ से ये खबर आई, फिर हमारे जो प्लेटफॉर्म्स है, ट्विटर है, यूट्यूब है, हर जगह से ये खबर हमारे पास आती है, बस पुष्टि करते हैं हम लोग कि ये कितनी हद तक सही है। अब इनका प्रेम शुरू हो जाता है फेसबुक से, फेसबुक में इन्होंने प्यार करा,
और यहाँ तक प्यार किया कि भाई पाकिस्तान चली गई औरत। यहाँ पे बहुत कुछ है, बहुत ड्रामे हैं। और मैं बता दूँ, इनकी जो पैदाइश है इस औरत की, वो मध्य प्रदेश के टेकन नगर जैसा कुछ है, टेकन नगर जैसा नाम है, जो BSF बॉर्डर के पास है। तो आप कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो, काफ़ी चीज़ें हो जाती है। तो ये चीज़ का वायरल होना शुरू हो जाता है, मतलब मीडिया में, कि इस औरत का डेफिनेटली पाकिस्तान के तरफ से कुछ ना कुछ है, पाकिस्तान की न्यूज़ देने जा रही है, या पाकिस्तान को पाकिस्तान की होते हुए भी इंडिया में रहकर स्पाई कर रही है, क्या कर रही है। ये बहुत बड़ी एक खबर है। जब वो आएंगी यहाँ पर तो उनके पास बहुत कम टाइम होगा, क्योंकि हर तरफ से उनको घेर लिया जाएगा, इंटेरोगेशन बहुत हद तक होने वाली है, ATS विल आस्क क्वेश्चंस, मीडिया, हम लोग तो भैया बाद में आएंगे, हम लोग तो इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम लोग खबरों को आप जनता तक पहुंचाते हैं, और यही आशा करते हैं कि आप लोग अपने कमेंट्स और अपने तरफ से जो भी सही आप समझते हो वो हमें कमेंट में लिखते हैं, हमें अपनी सोच बताते हैं, क्योंकि इंडिया का हिस्सा हम जनता पहले हैं। हम जनता नहीं होंगे तो इंडिया इंडिया ही नहीं रहेगा और गवर्नमेंट नहीं रहेगा। तो ये एक बात होती है अंजू मैडम की। वहाँ पर सीमा हैदर की मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत ही करुण एक इंटरव्यू मैंने देखा, और ANI की भी न्यूज़ आई, ATS के ऑफिस में 2 या 3 दिनों के इंटेरोगेशन, बहुत ही हैवी इंटेरोगेशन ने उन्हें तोड़ दिया है। सचिन की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। अब ये महिला जो सीमा हैदर है, उन्होंने बार बार यही रिक्वेस्ट करी है कि उन्हें इंडियन मान लिया जाए, या उनको सिविल क्या कहते हैं सिटीज़न मान लिया जाए। तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब होती है तो वर्ड्स में इधर उधर हो जाते हैं, I'm really very sorry। तो जो भी है, सीमा हैदर ने ये रिक्वेस्ट बार बार करी है कि उन्हें इंडियन सिटीज़न बना दिया जाए, उनका पूरा हक बनता है, क्योंकि अब वो इस्लाम छोड़ के वो इंडियन धर्म अपना चुकी है। उन्होंने नाम नहीं चेंज किया, क्योंकि सीमा मुस्लिम में और इंडिया दोनों में ही ये नाम कॉमन है। अपने बच्चों के सारों के नाम उन्होंने चेंज कर दिए हैं। जो मुझे याद है वो है प्रियंका, राजा, प्रेम, ऐसा कुछ नाम है, ऐसे 2-4 नाम है। तो वही उन्होंने अपने बच्चों के नाम भी चेंज कर दिए हैं, एंड बहुत रो रो के बेहाल होकर वो रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उन्हें अगर मौत की सज़ा दे दी जाए तो उन्हें वो स्वीकार है, उन्हें किसी भी चीज़ों से कोई मना नहीं है। वो नार्को टेस्ट के लिए तैयार है, DNA टेस्ट के लिए तैयार है अपने बच्चों का, कोई भी टेस्ट से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका कहना है कि जो करना है कर लो, आपको जो सज़ा देनी है मुझे यहीं दीजिए, बट ये सज़ा मत दीजिएगा, मुझे डिपोर्ट मत कीजिएगा पाकिस्तान, क्योंकि जहाँ से वो आती हैं, उन्होंने बताया बलूच से जो आती हैं, वहाँ पे औरतों के पास मोबाइल रखने का परमिशन नहीं है। वो कराची वगैरह जब जाती हैं तब उनके पास मोबाइल आए थे, बट ये थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आया कि अगर आप लोगों को मोबाइल अलाउड नहीं है तो आप PUBG कैसे खेल सकते हो। मुझे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा समझने, ये बात कुछ हजम नहीं हुई, जो भी हो, बट कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी हमदर्दी हो रही है। आई डोंट नो ये सही है या नहीं, लेकिन बार बार एक इंसान का ये कहना कि मुझे कोई डर नहीं है, आप जो चाहे मुझसे लिखवा सकते हैं, मेरे ऊपर टेस्ट कर सकते हैं, जो सच होगा वही सामने आएगा, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ, कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मेरा कोई नाता वाता नहीं है इन चीज़ों से, मैं थक हार के पाकिस्तान से भाग के इधर आई हूँ, हाँ इल्लीगल आई हूँ, लेकिन मैं उस परेशान ज़िंदगी से निकल के मुझे सचिन से प्यार हुआ, और ये प्यार मेरा 3-4 साल पुराना है, और हमने मतलब पूरे शिद्दत से वहाँ से मैं भाग के आई हूँ, और मैंने कोई मदद वैसे नहीं हुई है जो आप लोग सोच रहे हो कि पाकिस्तान बॉर्डर से मुझे मदद हुई है, ज़रूर मैं हनी ट्रैप करके आई हूँ। इंग्लिश का उन्होंने कहा कि लोगों ने बोलना शुरू किया कि इंग्लिश बहुत अच्छा बोलती है, तो बोले नहीं मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता, टुकड़े टुकड़े वर्ड्स को मैंने पढ़ने की कोशिश की है, टाइप लेटर्स में पढ़ लेती हूँ, बाकी मुझे बोलना उतना नहीं आता है, थोड़ा मोड़ा तो सबको ही आता है।
उसने ये कहा कि मैं इतनी हिम्मत करके अगर यहाँ आई हूँ अपने बच्चों के साथ, तो मैं यही आप लोग को बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत बड़ा स्टेप लेके आई हूँ और मुझे डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि अगर करेंगे तो कट्टर मुसलमान जो होते हैं, कट्टर जो मौलाज होते हैं, वो उन्हें ज़िंदा नहीं रखेंगे, उनके साथ बहुत बदसलूकी होगी और बदसलूकी के बाद उनको मौत दी जाएगी। ये सारी चीज़ें सुन के मेरा दिल थोड़ा सा पिघल रहा है, लेकिन जब आता है बात नेशन की सिक्योरिटी का, तो ATS ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, हर जगह से हर तरफ से क्वेश्चंस आए हैं और इन्होंने बखूबी अपने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। एक ये माँ है जो अपने चारों बच्चों को लेकर यहाँ आ गई है, और एक माँ अंजू है जो वहाँ पर फातिमा बन के बैठ के वहाँ से आने वाली भी है, देखते हैं आती है या नहीं, और वो अपने बच्चों को छोड़ के चली गई। मतलब क्या कहें, समझ नहीं आ रहा है। ये दो चीज़ें देखकर मन में बस यही क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या हो रहा है यार अपने देश में, ये क्या हो रहा है अपने देश में, क्या है ये, क्या नाटक चल रहा है, समझ नहीं आ रहा है, सर घूम जा रहा है। इतनी बातें सुन सुन के वीडियो बनाना शायद ज़रूरी पड़ गया, क्योंकि आप लोगों को पता है कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है वापस, और जहाँ ऐसा होता है तो मुझे रेस्ट करना चाहिए, बट ये सारी बातें सुनकर किसको रेस्ट मिलेगा। आप लोग क्या सोचते हैं इन दोनों ही चीज़ों पर, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट बहुत ज़रूरी हैं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करना है तो करिए, ना करना है तो ना करिए, बट ज़रूर सोच को और इस वीडियो को शेयर करके ये ज़रूर जानकारी दीजिए कि हो क्या रहा है हमारे देश में। बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय श्री कृष्ण, जय जलाराम, सारे भगवानों के नाम। भगवान मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कोई कैसे अपने धर्म को बदल देते हैं ऐसे इतना इजीली। मैं पागल हो चुकी हूँ ये सब सोच सोच के। एनीवेज, जय हिंद। आओ जो